ब्राह्मण के सात पुत्र और एक ऊपर वीरावती देखो। नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के लिए के दिन भोग से व्याकुल हो गई और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब ये भाई देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बोला, बहन चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छीक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ दे बिना ही कर लिया, वह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब वह 12 माह के चौथ के व्रत करवा चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता स्वरूप जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना और मेरे पति की भी रक्षा करना।